तो ये वाला अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, और जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है, जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला, आयरन मैन बना, प्यार कर बैठा तुमसे। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एवेंजर 5 से रिलेटेड अपडेट के बारे में, और बात करेंगे एवेंजर 6 से रिलेटेड अपडेट के बारे में, जो कि अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो इससे पहले मैंने इसी से रिलेटेड एक अपडेट दिया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि डायरेक्टर अनाउंसमेंट हो सकती है, और ये वीडियो मैंने आज मॉर्निंग में अपलोड करा, जिसमें कि मैंने बताया था कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो आई बटन पर। एवेंजर्स के अलावा और भी काफी सारे अपडेट है, जो कि उसमें आपको हर चीज पता चल जाएगी, और उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एवेंजर 5 और 6 के डायरेक्टर के अपडेट के बारे में, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करा था और मैंने सोचा कि ऑफिस के बाद जब आऊंगा तो इस वीडियो को दोबारा से एडिट कर शूट करके दोबारा से बना दूंगा। तो फाइनली आज हम बात करेंगे एवेंजर 5 और 6 के डायरेक्टर कौन हो सकते हैं, और ये अभी रूमर आया है, ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी कुछ वेबसाइट ने कंफर्म कर दिया, जो कि उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डेडपूल के जो डायरेक्टर थे शॉन, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने का सोचा था, यानी कि एवेंजर 5 और एवेंजर 6 को, पर अब वो पीछे हट चुके हैं क्योंकि उन्हें स्टार वॉर्स की मूवी मिल चुकी है, वो स्टार वॉर्स पर फोकस करने वाले हैं। उसी के साथ और भी कुछ डायरेक्टर के नाम आए थे कि वो एवेंजर 5 को डायरेक्ट करेंगे, पर हाल फिलहाल आज ही मॉर्निंग में एक अपडेट आया, जो कि एक ब्रेकिंग अपडेट है कि रूसो ब्रदर, जिन्होंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवी बनाई, एवेंजर्स एंडगेम बनाई और सिविल वॉर बनाई थी और विंटर सोल्जर भी बनाई, और अब वो दोबारा से एमसीयू में 4 मूवी डायरेक्ट करने के बाद आ रहे हैं वापस एवेंजर 5 को डायरेक्ट करने के लिए। और तो रूमर ये भी है कि एवेंजर 5 को डायरेक्ट ना करें तो शायद सीक्रेट वॉर को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो खुद जाकर मार्वल स्टूडियो में उन्होंने बात करी है, और इस चीज़ को कन्फर्म करा है थॉर वेबसाइट ने, पिंक विला ने, जो कि एक इंडिया की वेबसाइट है, द हॉलीवुड रिपोर्ट ने, और उसके बाद एक वेबसाइट और है, उनने कन्फर्म करा है। और लिटरली जब से ये अपडेट आए हैं सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि रूसो ब्रदर का हम सभी ने काम देखा है, विंटर सोल्जर में बहुत ही कमाल की मूवी बनाई थी, कितना अच्छा काम कर रहा था, फिर सिविल वॉर वो तो लाजवाब मूवी थी, और फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। तो सभी जानते हैं कि रूसो ब्रदर अगर एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट करेंगे तो भाई जबरदस्त मजा आने वाला है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसको अनाउंस कर दिया जाए, और सैन डिएगो कॉमिक कॉन कब है और कब होने वाला है और इंडिया टाइमिंग क्या है, तो उसके लिए आप वीडियो देखिए आई बटन पे जो मैंने डाल रखी है। और इसी के साथ अब एक और अपडेट, जो कि इसी मूवी से रिलेटेड है, कि आने वाले फ्यूचर्स में एमसीयू ने अपना फाइनल सागा कंप्लीट कर लिया, यानी कि एवेंजर सीक्रेट वॉर लास्ट होगी, उसके बाद हमें एक न्यू यूनिवर्स देखने को मिलेगा। तो जो फाइनल मूवी होगी सीक्रेट वॉर, उसको दो पार्ट में डिसाइड करने का फैसला जो पहले चल रहा था वो शायद अब डिनाई हो चुका है, और बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट होगा। और सैन डिएगो कॉमिक कॉन अभी नजदीक ही है, तो गाइस कैसा लगा अपडेट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उसी के साथ अगर आपने अभी तो फॉलो नहीं करा है और सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो गाइस जा रहा हूँ।